दोस्तों आईपीएल के 17वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अब हो चुकी है और ये पहली बार है जब आईपीएल ऑक्शन भारत के बाहर हुआ हो। इस ऑक्शन में टीमों की हिट लिस्ट में कई बड़े नाम थे, खासकर ऑस्ट्रेलिया के 3 टॉप खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और ट्रेविस है। और इस आईपीएल ऑक्शन में तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने इतिहास रच दिया और नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी अब ये बन चुके हैं। दोनों पर 20-20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बोली लगी है, जहां मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपीस में कोलकाता की टीम ने अपने साथ जोड़ा है, तो वहीं पैट कमिंस को 20.5 करोड़ रुपीस में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने शामिल किया है और पहली बार किसी नीलामी में 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हुआ है। बता दें कि इसके अलावा डैरिल मिचेल और भारत के हर्षल पटेल पर भी पैसों की खूब बरसात हुई। इस वीडियो में हम आपको दोस्तों आईपीएल सीजन 17 के लिए सभी 10 टीमों के अपडेटेड स्क्वाड के बारे में बता रहे हैं, जिसमें किस टीम ने किस प्लेयर को कितने में खरीदा है ये भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 बार की आईपीएल चैंपियन रही मुंबई इंडियंस के बारे में। अगर मुंबई इंडियंस के स्क्वाड की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम बता देते हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या है, जिन्हें ट्रेड विंडो के तहत टीम में शामिल किया गया था। इनके अलावा रोहित शर्मा, डिवॉल ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स मुलानी, नेहल बडेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मदवाल, जेसन बेरेंड्रॉफ और रोमारियो शेफर्ड शामिल हैं। तो वहीं अगर आईपीएल ऑक्शन 2024 की बात की जाए कि आखिर नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम ने किन खिलाड़ियों को खरीदा है, तो देखिए यहाँ पर गिराल कोटजी हैं, जिन्हें 5 करोड़ रुपए में मुंबई की टीम ने अपने साथ जोड़ा है। इनके अलावा दिलशान मधुशंका 4.6 करोड़ रुपीज, श्रेयस गोपाल 20 लाख, नुवान थुशारा 4.8 करोड़, नमन धीर 20 लाख, अंशुल कम्बोज 20 लाख, मोहम्मद नबी 1.5 करोड़, शिवालिक शर्मा 20 लाख रुपीज में मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ चुके हैं। अगला नाम है दोस्तों 2023 की चैंपियन रही चेन्नई सुपर किंग्स का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्वाड में जो खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं उनके नाम बता देते हैं, जिसमें शामिल है एमएस धोनी, जो कि टीम की कप्तानी एक बार फिर से करते हुए हमें नजर आएंगे। इनके अलावा मोइन अली, दीपक चाहर, डिवॉन कॉनवे, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राजवर्धन हंगरेकर, रविंद्र जडेजा, अजय मंडल, मुकेश चौधरी, मथीशा पथिराना, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, मिचेल सैंटनर, सिमरनजीत सिंह, निशांत सिंधु, प्रशांत सोलंकी और महेश दीक्षणा शामिल हैं। नीलामी की बात करें दोस्तों कि आईपीएल 2024 में चेन्नई ने किन खिलाड़ियों को खरीदा है, तो देखिए यहाँ पर रचिन रविंद्रा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ जुड़ चुके हैं और रचिन रविंद्रा को सीएसके की टीम ने 1.8 करोड़ रुपीज में अपने साथ जोड़ा है। इनके अलावा शार्दुल ठाकुर पर 4 करोड़ रुपए की बरसात हुई है, डैरिल मिचेल को 14 करोड़ रुपीज मिले हैं, समीर रिजवी को 8.4 करोड़ रुपीज, मुस्तफिजुर रहमान को 2 करोड़ और अविनेश राव और आवेली को 20 लाख रुपीज में चेन्नई की टीम ने अपने साथ जोड़ा है। यानी कि यहाँ ज्यादातर खिलाड़ी दोस्तों करोड़ों रुपए में टीम के साथ जुड़ चुके हैं, एकमात्र अविनेश राव अरावली हैं जिन्हें 20 लाख रुपए देकर टीम में जोड़ा है। अगली टीम है दोस्तों गुजरात टाइटंस की। तो चलिए रिटेन खिलाड़ियों के नाम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर शामिल है शुभमन गिल, जिन्हें इस सीजन यानी कि आईपीएल 2024 के लिए कप्तान बना दिया गया है गुजरात टाइटंस की टीम का। तो देखिए शुभमन गिल के अलावा यहाँ पर हैं डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, दर्शन नलकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, आर साई किशोर, राशिद खान, जोशो लिटिल और मोहित शर्मा। नीलामी की बात करें तो ऑक्शन में गुजरात की टीम ने अजमतुल्लाह उमर जाई को 50 लाख रुपए, उमेश यादव को 5.8 करोड़ रुपीस, शाहरुख खान को 7.4 करोड़ रुपीस, सुशांत मिश्रा को 2.2 करोड़, कार्तिक त्यागी को 60 लाख, मानव सूथर को 20 लाख, स्पेंसर जॉनसन को 10 करोड़ रुपीस और रॉबिन मिंज को 3.6 करोड़ रुपीस में अपने साथ जोड़ लिया है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर रिटेन खिलाड़ियों में देखिए ऋषभ पंत, प्रवीण दुबे, डेविड वार्नर, विकी ओसवाल, पृथ्वी शॉ, एंड्रिक नॉर्किया, अभिषेक पौरेल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, लुंगी अंगड़ी, ललित यादव, खलील अहमद, मिचेल माश, ईशांत शर्मा, यश ढुल और मुकेश कुमार। नीलामी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने हैरी ब्रूक को 4 करोड़ रुपीज में अपने साथ जोड़ लिया है। इनके अलावा क्रिस्टन स्टब्स 50 लाख रुपीज, रिकी भुई 20 लाख, कुमार कुशाग्र 7.2 करोड़, रशीद दर सलाम 20 लाख, जे रिचर्डसन 5 करोड़ रुपीज, सुमित कुमार 1 करोड़, शे होप 75 लाख रुपीज और स्वास्तिक चिकारा को 20 लाख रुपीज में अपने साथ जोड़ लिया है।
लखनऊ सुपर जॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर रिटेन खिलाड़ियों में केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक, निकलस पूरन, आयुष बदौनी, काइल मायर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई, नबीन उल हक, कृणाल पांड्या, युद्धवीर सिंह, प्रेरक माकंड, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, मार्क वुड, मयंक यादव, मोहसिन खान और देवदत्त पडिकल शामिल है। नीलामी की बात करें तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम ने शिवम मावी को 6.4 करोड़ रुपीज में अपने साथ जोड़ लिया है। इनके अलावा आशिन कुलकर्णी है जिन्हें 20 लाख रुपीज, मणिमरण सिद्धार्थ जिन्हें 2.4 करोड़ रुपीस, एस्टन टर्नर 1 करोड़ रुपीस, डेविड विली 2 करोड़ रुपीस और मोहम्मद अरशद खान को 20 लाख रुपीस देकर टीम में शामिल कर लिया है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें दोस्तों, तो यहां पर रिटेन खिलाड़ियों में संजू सैमसन, जॉस बटर, शिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनोवन फरेरा, कुणाल राठौर, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, एडम जंपा और आवेश खान शामिल हैं। इनके अलावा नीलामी की बात की जाए तो देखिए आईपीएल ऑक्शन 2024 में रोमेन पावेल को 7.4 करोड़ रुपीस में राजस्थान की टीम अपने साथ जोड़ चुकी है। शिवम दुबे 5.8 करोड़ रुपीस, टॉम कोहलर कैडमोर को 40 लाख रुपीस, आबिद मुश्ताक 20 लाख रुपीस और नांद्रे बर्गर को 50 लाख रुपीस में टीम ने अपने साथ जोड़ लिया है। तो देखिए सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेन खिलाड़ियों में अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, मार्को येंसन, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फ्लिप, सनवीर सिंह, हैनरिक क्लासेन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, टी नटराजन, अनमोल प्रीत सिंह, मयंक मार्कंडे, उपेंद्र सिंह यादव, उमरान मलिक, नीतीश कुमार रेड्डी, फजलत फारूकी और शाहबाज अहमद शामिल हैं। नीलामी की बात करें तो देखिए यहां पर ट्रेविस हेड को टीम अपने साथ जोड़ चुकी है 6.8 करोड़ रुपीस में, वानिंदु हसरंगा को 1.5 करोड़ रुपीस, पैट कमिंग्स को 20.5 करोड़ रुपीस, जयदेव उनादकट को 50 लाख, आकाश महाराज सिंह को 20 लाख और जे सुब्रमण्यम को 20 लाख रुपीस देकर सनराइजर्स की टीम अपने साथ जोड़ चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात करें दोस्तों, तो यहां पर रिटेन खिलाड़ियों में फाफ डुप्लेसिस जो की टीम के कप्तान रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयेश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, मनोज फंडांगे, मयंक डागर, विशक विजय कुमार, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, रेसी टोपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार और कैमरून ग्रीन शामिल हैं। नीलामी की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अलजारी जोसेफ को 11.5 करोड़ रुपीस, यश दयाल को 5 करोड़ रुपीस, टॉम कर्न को 1.5 करोड़, लॉकी फर्ग्यूसन को 2 करोड़, स्वप्निल सिंह को 20 लाख और सौरभ चौहान को भी 20 लाख रुपीस देकर टीम में जोड़ लिया है। पंजाब किंग्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर रिटेन खिलाड़ियों में शिखर धवन, मैथ्यू शॉट, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, सिकंदर रजा, ऋषि धवन, लियम लिविंगस्टोन, अथर्व ताइवे, अर्षदीप सिंह, नथान एलिस, सैम कर्न, कगिसुर अबाडा, हरप्रीत बरार, राहुल चाहर, हरप्रीत भाटिया, विद्वत कबरिप्पा और शिवम सिंह शामिल है। नीलामी में देखिए पंजाब किंग्स की टीम ने हर्षल पटेल को अपने साथ जोड़ लिया है 11.75 करोड़ रुपीज देकर, तो वहीं क्रिस वोक्स को 4.2 करोड़ रुपीज, आशुतोष शर्मा को 20 लाख, विश्वनाथ प्रताप सिंह को 20 लाख, शशांक सिंह को 20 लाख, तनय त्यागराजन को 20 लाख, प्रिंस चौधरी 20 लाख और राइली रूसो को 8 करोड़ रुपीस में अपनी टीम के साथ जोड़ लिया है। अब दोस्तों आ जाते हैं आखिरी टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ, तो देखिए यहां पर रिटेन खिलाड़ियों में नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, सुनील नरेन, सुयेश शर्मा, अनुकूल रॉय, आंध्र रसेल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं। तो देखिए नीलामी की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मिचेल स्टार्क को सबसे ज्यादा मोटी रकम देकर अपनी टीम के साथ जोड़ लिया है। जी हां दोस्तों, और मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन चुके हैं। तो देखिए मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24.75 करोड़ रुपीस देकर अपनी टीम में जोड़ लिया है। इनके अलावा देखिए केएस भरत हैं जिन्हें 50 लाख रुपए, चेतन साकरिया को 50 लाख रुपए, अंगक्रिश रघुवंशी को 20 लाख, श्रीकर भरत को 50 लाख, रमनदीप सिंह को 20 लाख, शेरफिन ब्रदरफोर्ड को 1.5 करोड़, मनीष पांडे को 50 लाख, मुजीब उर रहमान को 2 करोड़, गस एटकिंसन को 1 करोड़ और शाकिब हुसैन को 20 लाख रुपीस देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों ये है आईपीएल 2024 के लिए वो सभी 10 टीमें जिनके स्क्वाड्स के नाम हमने आपको बताए हैं और जिन खिलाड़ियों को ऑक्शन में करोड़ों और लाखों रुपए की रकम देकर अपनी टीम के साथ
जोड़ा गया है। वेल दोस्तों, आरसीबी के जिन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है, आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी की टीम में हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा और जॉश हेजलवुड की कमी को ये खिलाड़ी पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं? और क्या इन खिलाड़ियों के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस सीजन आईपीएल का खिताब जीतने में कामयाब होगी? क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।